करम चाँद हेलो गाइज। तो गाइज मैं हूँ बशीर अहमद, आप देख रहे हैं बशीर टीवी। तो जैसा कि गाइज आपने मेरे वीडियो के शुरू में से देखा रमज़ान मुबारक वाला स्टेटस, तो दोस्तों अगर आप इस तरह का स्टेटस बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। तो दोस्तों इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की यानी दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक है काइंड मास्टर और एक है रमज़ान डीपी मेकर। तो इन दोनों का लिंक दोस्तों मैंने नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इनको गूगल क्रोम या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपने जो सबसे पहले रमज़ान डीपी मेकर एप्लीकेशन है उसको आपने ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेगी तो दोस्तों ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ ऊपर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्रिएट डीपी वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्ल्स की डीपी है और यहाँ पे बॉयज़ की है। तो हम बॉयज़ की डीपी मैं आपको तैयार करके दिखाता हूँ, बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं दोस्तों ये वाली क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ऊपर आपने या इंटर योर नेम हेरी के ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा, आपने यहाँ पे अपना नेम लिख देना है। तो फिलहाल मैं दोस्तों अपने चैनल का नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, बशीर टीवी। तो कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे सबमिट नेम वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ नीचे मेरा नेम आ चुका है मेरे चैनल का। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे फॉन्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से दोस्तों आप इसकी फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। तो मुझे ये वाली फॉन्ट अच्छी लगती है तो मैं ये वाली फॉन्ट रख लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से कोई और भी कलर दे सकते हैं, फिलहाल मैं यही रखूँगा। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस डीपी को आपने सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पीछे आ जाना है। पीछे आने के बाद दोस्तों अब जो आपका काइंड मास्टर एप्लीकेशन है, ये वाला काइंड मास्टर एप्लीकेशन, इसको दोस्तों आपने ओपन कर लेना है। आप इस जैसे ही करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो अभी ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है, और यहाँ पे दोस्तों आपने यहाँ प्लस के बटन पे टैप करना है इस वाले ऑप्शन पे। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे प्लस के बटन पे टैप करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों आपने 9:16 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, दूसरे वाला ऑप्शन, इस पर दोस्तों आपने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने डाउनलोड के ऑप्शन पे चले आना है, और यहाँ पे एक फ़ोटो ऐड करनी है। इस फोटो का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस फोटो को डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपने ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने इसी फोटो पे क्लिक करना है, और इसको यहाँ से खींच कर कुछ इस तरह से इसको आपने बड़ा कर लेना है, जितना बड़ा आप अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने इसको ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ लेयर के बटन पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आपने जो अभी अभी डीपी जो आपने एडिट की है उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे, और इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है, और यहाँ से दोस्तों आपने कुछ इस तरह से इसको छोटा कर लेना है अपनी डीपी को, और यहाँ पे कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपने इसको भी खींच कर एंड तक कर देना है, और ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपने यहाँ लेयर के बटन पे क्लिक करना है और मीडिया पे चले जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों अगर आपके पास वीडियो सॉन्ग है तो आप यहाँ पे वीडियो नात वगैरह है, सॉन्ग सॉरी मैंने कह दिया, नात वगैरह है तो आप यहाँ पे उसको ऑडियो कर सकते हैं। तो मेरे पास ये वीडियो पड़ी है तो मैं इसको ऑडियो कर लेता हूँ। तो इसी के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करूँगा, और यहाँ नीचे आऊँगा। नीचे आने के बाद दोस्तों मैं यहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा और वीडियो को डिलीट कर दूँगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि मेरी वीडियो की ऑडियो बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे एक बार फिर लेयर के बटन पे क्लिक करना है और मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद दोस्तों आपने यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पे चले जाना है, और ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ एंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक फोटो एक वीडियो ऐड करनी है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको दोस्तों आपने यहाँ से खींच कर कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ साइड वाले ऑप्शनों पर आ जाना है, और यहाँ नीचे आ जाना है।
नीचे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपने एंड पे आ जाना और यहाँ डार्किंग के ऑप्शन पे दोस्तों आपने क्लिक कर देना है और ऊपर आइकॉन पे क्लिक करके आपने इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो डीपी है, डीपी वीडियो है रमज़ान मुबारक वाली, वो मुकम्मल हो चुकी है। तो मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अगर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और आगे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, शुक्रिया।